एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स की डिमांड इस समय बहुत जोरों शोरों से हो रही है, एक ऐसा कोर्स जो कॉमर्स के भी छात्र करना चाहता है और साइंस का भी छात्र करना चाहता है, आर्ट्स का भी छात्र करना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BBA कोर्स की। BBA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की बात कर रहा हूँ। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो होता है, ये प्रोफेशनल कोर्स है और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड कैंपस में ही चलता है और आज उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिव्यू लिया जाए, जैसे हम सब सब्जेक्ट का ले रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकंड कैंपस के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ठीक सामने, और यहाँ पर जो छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं अंदर, वो जब निकलेंगे तो हम उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि आखिरकार उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा गया, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए थे और कौन सा सब्जेक्ट टफ था, कौन सा सब्जेक्ट उनको लगा कि ये थोड़ा सा टफ पूछ दिया गया है। ये सब तमाम बातें करेंगे, साथ ही साथ कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे तैयारी किए थे और तमाम बात करेंगे। तो चलिए अब जब छात्र निकलेंगे तब उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विवेक हैं और सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान हैं। कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया था भैया। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? सर कॉन्स थोड़ा टफ था, पर सर सबका मॉडरेट था, इक्वल क्वेश्चंस थे सबसे। अच्छा, टफ कौन सा था? सर कॉन्स तो थोड़ा मुझे लगा अपने हिसाब से, मैंने CUET दिया था हुआ था तो सर उससे थोड़ा हाइयर था। अच्छा, तैयारी कैसे किए थे? सर तैयारी सर CUET की थी सर, उसी से। कहाँ के रहने वाले? सर उन्नाव। यस सर। अच्छा, क्या लगा, क्लास 12th के भी कुछ पोर्शन थे या सिर्फ? ये सर 12th का सर मैथ का पोर्शन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सर 2-3 क्वेश्चंस थे सर। यस सर। क्या लेवल था मतलब आपके हिसाब से? सर सही था सर, CUET का दिया हुआ तो सर उसके हिसाब सही था। क्या लग रहा है कितने सही होने के चांस? सर अब मैं तो नहीं कह सकता ना, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, 100 में से 100 करके आए? यस सर, 75 अबव सही हो सकते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 75 इन्होंने बताया कि सही होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। फिलहाल और भी बच्चे जो आएंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप एग्ज़ाम देकर क्या रही हैं, क्या कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? मैथ्स और रीजनिंग से। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग ज़्यादा थे। अच्छा, 12th के भी कुछ थे पोर्शन क्या? 11th 12th के एज सच कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं था। अच्छा, कोई सब्जेक्ट टफ लगा आपको? मैथ्स। मैथ्स टफ लगा। अच्छा, इससे पहले आप कॉमर्स से थी या साइंस? कॉमर्स। कॉमर्स। कॉमर्स से। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? यही लखनऊ के। तो देख सकते हैं मैथ थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन थे यहाँ पर लोगों से। जी कैसा गया एग्जाम? अच्छा हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? मैथ से। मैथ से ज़्यादा आए थे। टफ कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ का ही मतलब थोड़ा टफ लग रहा था। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? बुक से आए थे। बुक से आए थे। कैसा गया क्वेश्चन? कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। कैसा गया एग्जाम? ठीक है, अच्छा। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया। बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मैथ से ज़्यादा पूछे गए। मैथ से ज़्यादा। टफ कौन सा सबसे ज़्यादा था? मैथ ही टफ था। मैथ ही टफ भी था। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया पेपर। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पूछे गए थे? ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया था और रीजनिंग का पूछा गया था। रीजनिंग का। अच्छा, टफ कौन सा लगा सब्जेक्ट की थोड़ा इस सब्जेक्ट से टफ पूछ दिया? टफ ज़्यादा कोई टफ नहीं था, उसके लिए मैथ्स वाले में था और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, 12th में से भी कुछ थे? 11th 12th क्वेश्चन अभी 12th का भी मैथ्स का, जैसे 10th का था और 12th का जो मैथ वाला रहता है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा था। रहने वाले हम आजमगढ़ के हैं। अच्छा, कहाँ, क्या लग रहा है कितने सही होने के चांस? प्रोबेबिलिटी तो है यही 60-70 तक। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन करके हैं? लखनऊ वाले ना, मैंने देखी आपकी वीडियो। अच्छा अच्छा, ले लीजिए। क्या लग रहा है कितने सही होने के चांसेज हैं? मेरे 80% सही होने के चांस। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? इंग्लिश। इंग्लिश से। इंग्लिश देख सकते हैं। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कैसा गया एग्जाम आप लोग का? अच्छा गया। अच्छा गया। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? पेपर सही था, अच्छा। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? सबसे इक्वली आए थे। इक्वली आए जी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया, बेस्ट गया। क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आए थे? क्वेश्चन मैं से CUET अड्डा से पढ़ता था 24 से, तो उसमें से ज़्यादा आए थे। कैसा गया? बहुत बढ़िया गया, अच्छा था एग्ज़ाम, मतलब सिंपल था। हाँ, बस थोड़ा टाइम। सब्जेक्ट टफ लगा?
हाँ कोई सब्जेक्ट टफ लगा? नहीं नहीं कोई टफ नहीं, मैथ थोड़ा सा टफ लगा, नहीं तो ठीक था और सब ठीक था। समय की कमी पड़ी थोड़ा सा, थोड़ा सा 10-15 क्वेश्चन के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मिर्ज़ापुर का हूँ। मैं गोरखपुर का हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। क्या हुआ जी? कैसा गया? बहुत बढ़िया एग्जाम गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? जीके से मतलब थोड़ा कम आया थे, लेकिन मैथ से थोड़ा ज़्यादा पूछे गए थे। ज़्यादा पूछे गए जी। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? नहीं, मेरी टू मार्टेड। अच्छा, 11-12 का क्या था? कुछ नहीं था? 11-12 का कोई रोल नहीं था। तैयारी कैसे किए थे? एलयू अपडेट नाम से किए थे। एलयू अपडेट से किए थे। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि कितने सही होने के चांसेस लग रहे हैं? 70+। 70+। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। थैंक यू। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मैथ्स, मतलब मैथ्स उतना हार्ड था। मैथ्स हार्ड था। बाकी सब क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से? क्वेश्चन ज़्यादा मैथ्स ही थे। मैथ्स ही थे। और क्या लग रहा है कितने सही होने के चांसेस? 70 अबव क्वेश्चन सही होने के चांस। कहाँ के रहने वाले? अमेठी से। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। क्या लग रहा है कितने सही होने के चांसेस? 80%। क्या लग रहा है? पता नहीं, बता नहीं सकते कुछ। अच्छा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से ज़्यादा? BBA। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन? जनरल, जनरल नॉलेज से। कैसा गया एग्जाम? बस मीडियम था, एवरेज। अच्छा, क्या लग रहा है कितने सही होंगे? 60%। और भी लोग आ रहे हैं, बात करेंगे। जी, कैसा गया एग्ज़ाम? कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। कैसा गया एग्ज़ाम? कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा गया। कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया। बढ़िया गया ज़्यादातर लोगों का। कोई खराब नहीं बोले? खराब। कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक था। ठीक गया। कैसा गया? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मैथ्स बहुत हार्ड था। मैथ्स हार्ड था। चलिए, कैसा गया आप लोग एग्जाम? बहुत। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? थैंक यू सर। कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स से थे कुछ। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? हाँ, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा? जनरल नॉलेज। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मैथ्स। मैथ्स। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? जीके से, इंग्लिश सबसे। इंग्लिश से भी? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कितने सही होने के चांस है? सही, जीके तो पूरा सही होगा। पूरा सही होगा। हाँ। क्या लग रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा? तैयारी तो कैसे की थी? अच्छे से। अच्छे से की थी। कहाँ से कुछ, कोई सिलेबस खरीदी थी कोई? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब। यूट्यूब। बहुत बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कैसा गया? अच्छा था। क्या लग रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स डिफिकल्ट आई थी। मैथ डिफिकल्ट, ज़्यादा बच्चे बता रहे हैं। कैसा गया एग्जाम? अच्छा हुआ। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? नहीं, रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, सीरीज, बट बाकी सब अच्छा था। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? ज़्यादातर इंग्लिश और हाँ इंग्लिश। कैसा गया एग्जाम बताओ? अभी बात नहीं करेंगे। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। कैसा गया एग्जाम? ठीक था, अच्छा था। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? जनरल, जनरल नॉलेज। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? मैथ्स, मैथ्स था। कैसा गया एग्जाम आप लोग का? अच्छा हुआ। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही थे। न्यूमेरिकल्स। हाँ। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? नहीं नहीं, सब ठीक था। कैसा गया एग्जाम? जी, काफ़ी अच्छा गया। और अच्छा गया। सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा गया था? जी, इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन थे। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन जी। टफ कौन सा सब्जेक्ट था? टफ जनरल में काफ़ी टफ आया था, थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा टफ आया था, इतनी उम्मीद नहीं करी थी उसकी। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? जनरल नॉलेज। जी, कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? स्पोर्ट्स से ज़्यादा थे। स्पोर्ट्स से ज़्यादा। तैयारी कैसे की थी? ऑनलाइन की। ऑनलाइन, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से तैयारी की थी। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? इंग्लिश से बहुत थे। इंग्लिश, जीके और रीजनिंग बहुत आसान था। मैथ्स में थोड़ा टफ था। मैथ्स में टफ था। मैथ्स में टफ था। अच्छा, समय की कमी पड़ी? नहीं, समय की कमी नहीं पड़ी। तैयारी कैसे की थी? तैयारी अच्छी करी थी। मतलब कैसे की थी? मतलब यूट्यूब से कर रहे थे, रीजनिंग वगैरह की और इंग्लिश की। मैथ्स की इतनी नहीं होगी। कहाँ रहने वाले? यहीं लखनऊ के। चलिए, कैसे है, कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। बढ़िया गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था? क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था इंग्लिश से। इंग्लिश से जी सर। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? मैथ थोड़ा टफ लगा था। मैथ टफ लगा। चलिए, कैसा गया एग्जाम? चला गया बस। कैसा गया एग्जाम? ठीक। कैसा गया? बढ़िया गया। कैसा गया एग्जाम? कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे?
जीके से। जीके से कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? एवरेज गया। कैसा गया? एवरेज गया। हां एवरेज था। आ जाओ आ जाओ। कैसा गया एग्जाम? था मतलब हार्ड था थोड़ा मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था? मैथ्स। मैथ्स हार्ड था। और समय की कमी पड़ी? हां समय थोड़ा। कौन सा पोर्शन लगा कि ये समय ज्यादा? मैथ्स में ज्यादा है। कहां के रहने वाले? देवरिया। अच्छा कितने क्वेश्चन सही होने के चांस? 60-70 तक। 60-70 बढ़िया। 60-70 यहाँ पर सही होने के चांसेस जिनके हैं। कैसा गया एग्जाम? मेरा नहीं था। सॉरी। देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स भी काफ़ी आए हैं और कुछ बड़े। कैसा गया एग्जाम? अच्छा अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मैथ्स और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैथ्स ही था मोस्टली। टफ लगा। समय की कमी पड़ी? नहीं नहीं नहीं। कैसे तैयारी की थी? मतलब यूट्यूब चैनल्स और कोचिंग। चलिए YouTube वगैरह से ज़्यादा लोग तैयारी किए थे। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम मेरा। अच्छा गया। कितना क्वेश्चन लग रहा है सही हो जाएगा? 75 तक 80 तक। 75-80 तक। कैसे तैयारी की? मैथ्स को छोड़ के बाकी सब सही है मेरा। बाकी सब की तैयारी की थी। आप मतलब मैथ था? मैथ टफ था। टाइम की कमी पड़ी? नहीं नहीं हो गया था 15। कैसा गया एग्जाम? वाज क्वाइट गुड। वाज टफ आल्सो क्योंकि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा आया था। मैथ ही सबको टफ लग रहा है? हाँ मैथ आया। अच्छा समय की कमी पड़ी? नहीं समय की कमी नहीं पड़ी। मैथ्स की वजह से थोड़ा टफ था बट लास्ट में ठीक हो गया था। अच्छा चलिए चलिए। कैसा गया एग्जाम? आपके पापा बता रहे हैं बात करिए। अच्छा गया। अच्छा गया। क्या लग रहा है कितने सही होने के चांसेस? 50+। और कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिए थे। इंग्लिश कॉम्प्लेक्स कर दिए थे। क्या समय उमय की कमी पड़ी? हाँ कैलकुलेशन में पड़ी थोड़ी सी। तैयारी कैसे की थी? तैयारी ठीक की थी। बहुत अच्छी नहीं की थी लेकिन ठीक की थी मैंने। कोई सब्सक्रिप्शन ली थी या ऑनलाइन सेल्फ? सेल्फ नहीं सेल्फ की थी मैंने। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग हैं। जी आप परीक्षा देके आ रहे हैं? कैसा गया? पेपर वाज मैथ्स वाज लिटिल बिट टफ एंड वी हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट जीके एंड इंग्लिश सो टू क्लियर द कट ऑफ। क्या लग रहा है कितने सही हो जाएंगे? That I can not say but maximum questions in English, GK and reasoning. Maths was little bit tougher side more than CUET. तैयारी कैसे की? तो from YouTube channels, mainly from YouTube channels. कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के। लखनऊ जी आप एग्जाम देके आ रही हैं? हाँ। कैसा गया एग्जाम? बहुत डिफ़िकल्ट मैथ्स था। कमर्शियल मैथ मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था। बीबीए का लग ही नहीं रहा था। बीएससी मैथ का पेपर लग रहा था। अच्छा। इतना टफ दिए थे। बाकी सब सब्जेक्ट? जीके भी ठीक था। करंट अफेयर एकदम ना के बराबर था। इंग्लिश में वोकैबुलरी कुछ नहीं था बस इस फ्रेजेज एंड वर्ब्स का था थोड़ा बहुत और बस यही सब। टाइमिंग कमी पड़ी क्या? हाँ थोड़ा। अच्छा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मतलब 11th 12th के कुछ थे या नहीं थे? सब बाहर के थे। 6th to 10th का बेसिक मैथ्स था। 6th to 10th का बेसिक मैथ्स। हाँ जो टफ भी नहीं आता है। हाँ टफ मैथ ही टफ था। समय की कमी वगैरह पड़ी क्या? हाँ थोड़ा और होना चाहिए था। चलिए कैसा गया आप लोग एग्जाम? अच्छा गया काफ़ी। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे तो मैथ्स से रीजनिंग के थे और जनरल नॉलेज के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट टफ? एक्चुअली रीजनिंग कह सकते हैं बट अच्छा गया। मॉडरेट पेपर था कह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे अधिक एक चीज़ देखने को मिली कि मैथ का पेपर सबसे अधिक छात्रों ने कहा कि आप लोग एग्जाम देके आ रहे हैं क्या? कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया भैया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? क्वेश्चन जनरल्स थे मतलब बेसिक मैथ्स थे और इंग्लिश के जनरल्स क्वेश्चन थे मतलब ग्रामेटिक्स क्वेश्चन थे। हाँ ग्रामेटिकल था और टिपिकल उतना नहीं था। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ज़्यादा इजी भी नहीं था। कोई सब्जेक्ट टफ लगा? नहीं कोई सब्जेक्ट टफ नहीं लगा। सब ठीक लगा। जो प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा उसका आराम से होगा। हम लोग का बिल्कुल बढ़िया गया भैया। हार्ड दिए एकदम। कितने को सही होने के चांस? 100 out of 150+ मतलब 75 सही हो जाएंगे। हाँ 80+ सही हो जाएंगे। जी कहाँ के रहने वाले? वाराणसी। मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वाराणसी। दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग आए हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग फैकल्टी के ठीक सामने खड़े थे। यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं। जी एग्ज़ाम देके आ रही हैं कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मैथ्स से और इंग्लिश। और टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैथ्स। मैथ ही टफ लगा। अच्छा क्या लग रहा है कितने सही होने के चांसेज आपके हैं? लगभग 60% 60% सही हो जाएंगे। अच्छा समय की कमी पड़ी क्या? नहीं समय की कमी नहीं पड़ी। कैसे तैयारी की थी? तैयारी खुद से की थी
और बुक से की थी, मतलब प्रैक्टिस के बुक थी उससे। कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिए थे? नहीं। देखे आ रहे हैं? हाँ। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? वही रीजनिंग जो थे और थोड़े मैथ के थोड़े हार्ड थे। हाँ। अच्छा क्या लग रहा है, कितने सही हो जाएंगे आप? मतलब 50-60-100 में से। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथ ज़्यादा ही टफ पूछ देगा था, ऐसा आपको सच में लग रहा है क्या? हाँ टफ था। टफ था? हाँ। अच्छा समय की कमी पड़ी क्या आपको? हाँ समय की कमी थी और थोड़ा घबराहट में, थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा कुछ गलत क्वेश्चन हो गए, इससे मैथ जो सेक्शन था उसकी वजह से ज़्यादा टाइम ले लिया गया। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। देख सकते हैं दूर दूर से लोग आए हैं और मैथ क्वेश्चन ज़्यादा, अभी और भी लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जी, कैसा गया एग्ज़ाम? सही था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? ज़्यादातर जनरल नॉलेज से आए थे। टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? फिजिक्स। थोड़े बहुत टफ। फिजिक्स भी आया? हाँ, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत। क्या लग रहा है, समय की कमी पड़ी क्या? नहीं। कितने क्वेश्चन सही होने के चांस हैं? ज़्यादातर मोस्टली सही हो जाएंगे। देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों का अलग अलग कह रहा है यहाँ पर अभी और भी। जी कैसा गया एग्जाम? बढ़िया था, बस थोड़ा टाइमिंग। कैसा गया एग्जाम? हाँ अच्छा था। अच्छा था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा सर? रीजनिंग पूछा था। रीजनिंग कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा गया? मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी सारा चीज़ टाइमली हो गया था। मैथमेटिक्स में थोड़ा सॉल्विंग करने में टाइम लग रहा था, तो क्वेश्चन बाकी बढ़िया ही आए थे। समय की भी कमी पड़ी क्या? नहीं, समय की कमी मतलब मेरे को थोड़ी पड़ी, 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा मतलब उनको तुक्का मारना पड़ा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन तो अच्छे गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं मैथ टफ था, आपको भी लग रहा है? हाँ हल्का टफ था, बाकी नॉर्मली था, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहेंगे। कितने सही होने के चांसेस तो हैं कि मतलब मोर देन 120 सही हो जाएंगे, मोर देन चांसेस तो है कि एडमिशन हो जाए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ के रहने वाले? सिंगरौली के, मध्य प्रदेश। देख सकते हैं दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं, और भी अगर कोई दिखता है तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर इक्का दुक्का लोग अब जो आखिरी में बच गए हैं वो आ रहे हैं, अगर आएंगे तो बात करेंगे। देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुल मिला जुला कर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मैं थोड़ा सा टफ, जैसा कि लोगों का बताना है। कैसा गया एग्ज़ाम? कैसा गया एग्ज़ाम? वे बहुत इजी था वैसे तो। इजी था? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा हम लोगों को? मैथ्स, बस मैथ्स जितना पार्ट आया था वही खराब था। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर अच्छा गया। मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए सब में, इक्वल लगभग। टफ कौन सा था? टफ मैथ्स था। यस। समय की कमी पड़ी क्या? नहीं, मतलब मैथ्स ने थोड़ा टाइम खाया, पर इंग्लिश उतना इजी आ गया था। नहीं नहीं, हो गया था। हो गया था? यस सर, यस सर, हो गया था। कहाँ के रहने वाले? हम नीलमत्था से आए हैं, मतलब। अच्छा। हम इधर ही राजा जी पुरम साइड से हम आए हैं। मतलब दोनों लोग लोकल हैं, लखनऊ के ही हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ के भी काफ़ी लोग हैं, चूँकि लखनऊ में है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की कोशिश करना। जी आप लोग का कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? क्वेश्चन से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम स्पीड से पूछा गया था, और रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया था, एवरेजेस से पूछा गया था, और जनरल नॉलेज जो ये जैसे चीफ जस्टिस कौन है और कौन, हाँ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या लग रहा है समय की कमी पड़ी क्या? हाँ समय की कमी पड़ी, क्योंकि 1.5 घंटे मिला सिर्फ, 1.5 घंटा मिला और 100 क्वेश्चन थे। चलिए अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है, कितने सही हो जाएंगे आपके? मेरे 60-65। चलिए आप भी एग्जाम देकर आ रहे हैं? या जस्ट नाउ। तो क्या लग रहा है, कैसा गया एग्जाम? माई एग्जाम वॉज वेरी प्रीटी गुड। कैसे तैयारी किए थे? आई डेंट लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई डेंट स्टडी, आई एम जस्ट एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ टेक बैकग्राउंड, but I have a core knowledge of business, so I guess my questions from 180 above 80 above are right. कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के? शुरू से लखनऊ? Yeah, originally from लखनऊ, गोमती नगर। असली लखनऊ वाले हैं। Yeah. क्या लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट टफ लगा क्या? No, nothing was actually tough, but there was a lack of time, as we have to do 100 questions in 90 minutes, so you see there is less than even a minute for each question. And everything was basic, 10th level English and Maths. Nothing was tough, but it was just a lack of time. Schooling कहाँ से किए हैं? Immaculate Conception School Academy, गोमती नगर। चलिए
तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना अपना लोगों का रिव्यू देना है, अपना अपना लोगों का कहना है कि किसका कैसा गया और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिला जुला करके ज़्यादातर लोगों ने मैथ को कहीं ना कहीं टफ बताया। और यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम देकर के आ रही हैं क्या? कैसा एग्ज़ाम देकर आ रही हैं? कैसा? अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? क्वेश्चन मैथ से थे जिसमें टाइम लग रहा था। टफ कौन सा था? टफ वही मैथ सेक्शन ही ज़्यादा टफ था और ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। समय की कमी पड़ी क्या? हाँ। तैयारी कैसे की थी आप लोग? अच्छी करी थी तैयारी। तो किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? क्वेश्चन जैसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस थे और बस ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? ब्लड रिलेशंस भी आए थे, रीजनिंग भी आया था और किलोमीटर पर आर, मतलब मैथ्स भी था, सब ऑलराउंडर मिला। टफ कौन सा लगा? टफ मैथ्स ही लगा। तैयारी कैसे की थी आपको? ऑनलाइन ही करी थी। हाँ। समय की कमी पड़ी क्या? हाँ थोड़ी सी कमी पड़ी। कहाँ के रहने वाली हैं? हम एमपी के रहने वाले बट फिलहाल लखनऊ में। दोनों लोग बहन हैं जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एमपी से मतलब दूसरे राज्यों से जी आप भी एग्जाम देकर आ रही हैं? या हाँ ठीक था एग्जाम, बट थोड़ा जीके थोड़ा टफ था। टफ हो गया। मैथ कैसा था? मैथ बहुत लोग बता रहे हैं टफ था। था पर ठीक है, इतना भी कोई टफ नहीं था। आप मैथ बैकग्राउंड से हैं? नहीं कॉमर्स। मैथ था 11th 12th? हाँ अकाउंट्स था। अच्छा अकाउंट्स था, मैथ नहीं था। लेकिन मैथ आपको ठीक लगा? 10th तक मैथ्स मैंने अच्छे से पढ़ा है। अच्छा इसलिए मैथ आसान लगा। अच्छा क्या समय की कमी पड़ी क्या? नहीं मेरा 8 मिनट पहले हो गया था। अच्छा क्या लग रहा है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? आई थिंक जीके से ज़्यादा पूछे गए थे। क्या लग रहा है कितने सही हो जाएंगे? हो जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा, भरोसा है। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं अपन निकल जाएगा। ये अपना एक एग्ज़ाम देने के बाद आने के बाद ये अपने ऊपर भरोसा है कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर और भी लोग आते हैं तो बात करेंगे। जी कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक गया, अच्छा गया था। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मैथ के थे, जनरल नॉलेज के भी थे और इंग्लिश के भी ज़्यादा ही थे। क्या लग रहा है कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा? टफ नहीं था, बस मैथ करने में टाइम वेस्ट हुआ था ज़्यादा। आप इनके पेरेंट्स हैं जी? क्या लग रहा है आपकी बच्ची का सिलेक्शन हो जाना चाहिए? होना चाहिए, देखिए क्या होता है। और कहाँ की भरी थी ये फॉर्म? यहाँ का था आपका जो है कि मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी का है। अच्छा घर पे पढ़ाई करती थी, इसके लिए तैयारी करती थी? हाँ तैयारी तो है। देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स भी रिव्यू। जी आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अभी देने जाएंगे। कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया गया। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा? मैथ्स एंड से और इंग्लिश से। टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैथ ऑफ मैथ्स था। मैथ्स था। समय की कमी पड़ी? नहीं, टाइम सही था। टाइम सही था? हाँ टाइमिंग सही। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बलिया। सेम बलिया। देख सकते हैं बलिया दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने। तो कुल मिला जुला कर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट इस पूरे BBA एग्ज़ाम में लगा सुनने को देखने को कि बहुत ही टफ था। हालांकि जब इतने ज़्यादा अधिक मात्रा में जो छात्र बता रहे हैं कि मैथ टफ था, तो जाहिर सी बात है मैथ ज़रूर थोड़ा बहुत टफ पूछा ही गया होगा। और ये सभी वो छात्र हैं जो CVET का एग्ज़ाम दे करके आए हैं ज़्यादातर। तो CVET में बता रहे हैं कई छात्र की CVET में एग्ज़ाम जब दिए थे तो उसका मैथ के तुलना में यहाँ का मैथ टॉप था। तो बाकी आपका क्या सोच रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक और सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकंड कैंपस के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ से हम लोगों का लिए रिव्यू।